नमस्कार दोस्तों। तो आज है 4 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला प्रश्न होगा कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई और इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि 4 जुलाई। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था ये 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 में। कलकत्ता में एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्ता इनके बचपन का नाम था। विवेकानंद विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के 8 बच्चों में से एक थे। याद रखना कि 1893 में और 1893 में शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो इनकी उपस्थिति रही थी उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के हिंदू धर्म को एक नई पहचान मिली थी, एक नई आभा प्रदान हुई थी। तो ये जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में शिकागो में ये बहुत ही उल्लेखनीय है और उसमें भारत की ओर से हिंदू धर्म को प्रेजेंट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। अच्छा फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं ये स्वामी विवेकानंद हैं और इन दोनों ही संस्थाओं का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो वेलूर मठ है। तो वेलूर मठ कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्नों का कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया तो यह दिवस कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 जुलाई को कई सारे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं आप जानते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। फिर मनाया गया था क्या, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, ठीक है। इसके अलावा SBI और केनरा बैंक का जो स्थापना दिवस होता है ये मनाया गया था। इसके बाद एक और मनाया गया था क्या, हाँ, वास्तुशिल्प दिवस ये भी मनाया गया था इसी दिन, आर्किटेक्चर डे, ठीक है। तो इतने दिवस हो गए 1 जुलाई को। 2 जुलाई को दो इम्पोर्टेंट डे थे, कौन कौन से थे, एक तो था आपका UFO डे, वर्ल्ड UFO डे, और दूसरा कौन सा मनाया गया, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखो ये कोई फिक्स डेट नहीं होती है 3 जुलाई, एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो होता है ये जुलाई माह का जो पहला शनिवार होगा, जुलाई माह के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है। तो इस साल ये मनाया गया 3 जुलाई को, ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो अगली साल भी 3 जुलाई को नहीं होगा, ये डेट चेंज होगी। तो अब आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है और इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। और इस साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये जो थीम रखी गई है वो है एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण, ठीक है, एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। और संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मना रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हुआ कि जन सहायक आपका सहायक नामक एक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है जन सहायक आपका सहायक नामक एक मोबाइल ऐप। और इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C और बिजनेस टू सिटीजन यानी कि B2C सेवाओं को कभी भी कहीं भी किसी को भी डिलीवर किया जा सकता है। याद रखना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये भी याद रखना कि अभी हाल ही में हरियाणा में एक और बहुत ही शानदार योजना शुरू की गई है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे वृक्ष जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो उनके जो मालिक होंगे उनको 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी ताकि वो इन वृक्षों की अच्छे से देखभाल कर सकें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो 4th संस्करण होगा वो हरियाणा में ही होगा और हरियाणा सरकार ने एक योजना स्टार्ट करी है, कौन सी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। इसमें हरियाणा सरकार किसानों के जो फसल होगी उसको सरकार खुद खरीदेगी यानी किसी थर्ड पार्टी के पास किसानों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, याद रखना, सत्यदेव नारायण आर्या। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किसने
आत्मनिर्भर कृषि ऐप को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। तो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि किसान मित्र पहल के आत्मनिर्भर कृषि ऐप के साथ किसानों के पास IMD, ISRO, ICRA और CGWA जैसे शोध संगठनों द्वारा दी जाने वाली जो जानकारी होगी बहुत आसानी से उपलब्ध होगी। और ये जो ऐप होगा ये 2G पर भी, यानी कि बहुत कम जहाँ पर सिग्नल मिलता है और जहाँ पर बैंडविड्थ काफ़ी कम है उस पर भी काम करेगा। ये आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। अच्छा, ये याद रखना कि किसान कल्याण मंत्री जो हैं उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अगर आप एक साल के घटनाक्रम को देखें बल्कि उससे कम समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था CM। उसके बाद अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, ये बन गए हैं उत्तराखंड के नए CM। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनके पिता भारतीय सेना में रह चुके हैं और वे खटीमा से 2 बार से विधायक हैं। पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत के बाद नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड के बारे में जानिए, 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। राज्यपाल हैं वर्तमान में बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है और ये है जकोकाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पाकिस्तान से संबंधित और कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कि देखिए, पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। और पाकिस्तान का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। भारत का कितने आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और देखो, यहाँ पर जो अलग अलग देश हैं उनकी जो संसद है उसका नाम अलग अलग होता है। कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ठीक है। इसी प्रकार से इज़राइल की संसद को कहते हैं नेसेट, याद होगा आपको, मैंने बताया था इसके बारे में। जापान की संसद को कहते हैं डाइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें भारत की संसद का क्या नाम है, तो भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद आपको बताएं, रूस की संसद हो गई ड्यूमा, USA अमेरिका की जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस, क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि चीन की संसद का क्या नाम है, चीन की संसद इसको कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसको कहा जाता है शोरा, क्या कहते हैं, शोरा। अच्छा, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल की जो संसद है उसका नाम क्या है, उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत, क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। और फिर आता है मालदीव, तो मालदीव और ईरान की जो संसद है उसका नाम एक ही है, बताओ क्या नाम है, तो इसका नाम है मजलिस, क्या नाम है, मजलिस। मालदीव और ईरान की संसद का नाम मजलिस है। अच्छा, ये बताओ कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, बांग्लादेश, तो इसका नाम है जातीय संसद, क्या नाम है, जातीय संसद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं अलग अलग देशों के संसद के जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए Shopsy नामक ऐप को लॉन्च किया है, Shopsy। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया गया है Flipkart के द्वारा। अब Flipkart की स्थापना हुई थी 2007 में, ये आप जानते हो, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो है बेंगलोर में, ये भी आप जानते हो। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा। तो ये बताओ कि वर्तमान में CEO कौन है, KK मूर्ति, पूरा नाम याद रखो, आगे बता रहा हूँ इनके बारे में। इनको कहते हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। और ये जो Shopsy नामक ऐप Flipkart ने लॉन्च किया है, इसके माध्यम से आप भी आराम से मतलब सेलर बन सकते हो। मोबाइल नंबर डालकर इस ऐप को एक्टिवेट कर लो और फिर आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसे आप Facebook और WhatsApp पर उसके लिंक शेयर करो, आराम से अपना सामान बेचो और पैसे कमाओ। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय फिल्म ने Framline फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर जो चारों नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सीर कोरमा, थप्पड़, छिछोरे और डिकोडिंग शंकर,
चारों नाम याद रखना, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये क्वेश्चन जो है फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म चुनी गई है सीर कोरमा, ऑप्शन ए। बात करते हैं थप्पड़ के बारे में, तो जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें ये बेस्ट फिल्म बनी थी। छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। डिकोडिंग शंकर के बारे में बात करते हैं, डिकोडिंग शंकर आपने गायक शंकर महादेवन का नाम सुना होगा, तो उन पर आधारित ये एक वृत्त चित्र है और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया गया है फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले सिवन के द्वारा। और हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया है। तो सभी जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा कि ताल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ताल ज्वालामुखी, तो आपको बताना है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। और इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए ये है फिलीपींस में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, फिलीपींस। तो फिलीपींस कहाँ पर स्थित है, ये है वर्ल्ड मैप और ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके बाद आप यहाँ पर देखो तो ये है आपका फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस, अब आगे आपको बता दें कि फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसका आधिकारिक नाम जो है वो है फिलीपींस गणतंत्र, राजधानी इसकी मनीला में है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, उसी से यह देश बना हुआ है, मतलब छोटे छोटे द्वीप से बनकर एक देश बन गया। फिलीपींस द्वीप समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिणी चीन सागर से और दक्षिण में सिलेबस सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप समूह से दक्षिण पश्चिम में देश बोर्नियो द्वीप के तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर बोर्नियो द्वीप और सीधे उत्तर की ओर ताइवान है। पलाऊ जो है ये फिलीपींस महासागर के पूर्वी हिस्से पर है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, रोड्रिगो दुर्तेते। उपराष्ट्रपति हैं लेनी रोबेडो, लेनी रोबेडो। आगे बढ़ते हैं, 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हैं ये शुरू हो रहे हैं 23 जुलाई से और कब तक चलेंगे, ये चलेगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक और उसके बाद फिर 24 अगस्त से शुरू हो रहा है पैरालंपिक खेल और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 8 सितंबर तक, ठीक है। तो दोनों जो डेट रेंज है इसको आप याद रखना। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है मरियप्पन थंगावेलु को, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, मरियप्पन थंगावेलु। तो दोस्तों आपको बता दें कि शीर्ष पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु जो कि रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, उनको भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए। टोक्यो पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाले हैं, गलती हो गई, 5 सितंबर तक चलेंगे ये। और राष्ट्रीय संस्था की कार्यकारी समिति ने ध्वजवाहक के लिए 2016 रियो पैरालंपिक में T42 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले हाई जंप के एथलीट थंगावेलु का चयन किया है। और अब बारी है आज के क्विज की, तो देखो कल जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि किस राज्य सरकार ने साल्ट नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये कार्यक्रम जो है साल्ट, ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग साल्ट, देखो आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन पहला पहला अक्षर लेकर इसे साल्ट, साल्ट नेम दिया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन का ऋण भी मंजूर किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश की पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में 40 लाख से अधिक बच्चे और लगभग 2 लाख शिक्षक हैं। और अब बारी है आज के क्विज की, और देखिए आपने कल का जो क्विज था इसको बहुत ही अच्छा आंसर किया है, तो इसी प्रकार से आज भी आप लोग उत्तर लिखिए। देखिए आज का प्रश्न क्या है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है, ये हैं आपके ऑप्शन। तो आपके आंसर का रहेगा हमें इंतजार, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आगे दीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो थोड़ा इसे सपोर्ट करिए, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दिया करें, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आपको जो है मतलब अच्छा लगता हो कि यहाँ पर आपके दोस्त जुड़ेंगे इस चैनल से, तो अपने दोस्तों से इस चैनल से जुड़ने के लिए भी कहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें।
अब व्यूज़ तो आपके ही ऊपर है। तो हम शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।